पाकिस्तान के खिलाफ पहली परीक्षा पास करने के बाद टीम इंडिया ने सिडनी में नीदरलैंड के खिलाफ भी जीत हासिल कर ली। मेलबर्न फतेह के बाद सिडनी में भारतीय शेरों ने जबरदस्त खेल दिखाया। रोहित शर्मा की टीम ने 56 रनों से बड़ी जीत हासिल करके अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उसके 2 मैचों में 4 अंक हो गए हैं और वे +1.425 नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर है। टीम के लिए यह मैच मिला जुला रहा। सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा और गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया तो केएल राहुल ने टीम प्रबंधन को चिंता में डाल दिया है। टीम को रविवार को पर्थ की तेज पिच पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। ऐसे में भारत के लिए नीदरलैंड के खिलाफ यह मुकाबला एक तरह से अभ्यास मैच था। अफ्रीकी बल्लेबाजों और गेंदबाजों से पार पाने के लिए टीम इंडिया ने अपनी तैयारियों को पुख्ता किया। विराट ने मेलबर्न में खेली गई अपनी पारी को एक तरह से सिडनी में आगे बढ़ाया। वह उसी अंदाज में यहां भी खेलते दिखे। रोहित शर्मा ने शुरुआती ओवरों में संघर्ष करने के बाद अर्धशतक लगा दिया। सूर्य कुमार का विस्फोटक अंदाज पहली बार इस टूर्नामेंट में देखने को मिला। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट बनवाकर 179 रन बनाए। कोहली ने 62, रोहित ने 53 और सूर्य कुमार ने नाबाद 51 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट बनवाकर 123 रन ही बना सकी। नीदरलैंड के लिए टिम प्रिंगल ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाए। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। शर्मा का कैच छूटना, भारत की पारी के 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा को जीवनदान मिला। रोहित उस समय 13 रन बनाकर खेल रहे थे। ट्रेड क्लासेन की गेंद पर प्रिंगल ने उन्हें जीवनदान दिया। इसके बाद अगले ओवर की 4थी गेंद पर रोहित को फिर से जीवनदान मिला। उस समय वे 15 रन बनाकर खेल रहे थे। फिर से प्रिंगल ही उनका कैच नहीं ले पाए। इस बार गेंदबाज वामिके रेन थे। 2 कैच छूटने के बाद रोहित ने गियर बदला और तेजी से रन बनाने लगे। 2 कैच छूटने के बाद भारतीय बल्लेबाज नीदरलैंड पर पूरी तरह हावी हो गए। रोहित चले लेकिन राहुल ने फिर किया निराश। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत में कुछ देर संघर्ष किया। गेंद उनके बल्ले पर सही से नहीं आ रही थी। रोहित जब सेट हो गए तो उन्होंने तेजी से रन बनाए। हालांकि 2 जीवनदान जरूर मिले लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले अच्छा अभ्यास किया। रोहित के साथी केएल राहुल इस मौके का फायदा उठाने में नाकाम रहे। वह 12 गेंद पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। राहुल LBW हुए। रिप्ले में यह साफ दिख रहा था कि गेंद विकेट से बाहर जा रही थी। राहुल अगर रिव्यू ले लेते तो बच जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ भी उनका बला नहीं चला था। विराट कोहली का जलवा कायम। कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई मैदानों पर अपना वर्चस्व कायम रखा है। मेलबर्न के बाद अब सिडनी में उन्होंने अर्धशतक की पारी खेली। विराट अंत तक टिके रहे। उन्होंने एक छोर संभाले रखा और तेजी से रन भी बनाए। कोहली ने 44 गेंद की पारी में नाबाद 62 रन बनाए। इस दौरान विराट के शानदार शॉट्स देखने को मिले। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक ऐसा छक्का मारा जिसे लोग कई दिनों तक याद रखेंगे। सूर्य कुमार ने निराशा को पीछे छोड़ा। शीर्ष 4 बल्लेबाजों में सूर्य कुमार एक ऐसे खिलाड़ी थे जो फॉर्म में होते हुए भी पाकिस्तान के खिलाफ फेल हो गए थे। उनका आउट होना भारतीय फैंस को बहुत खला था। सूर्य कुमार ने उस कमी को सिडनी में पूरा किया। उन्होंने विराट का भरपूर साथ दिया और तेजी से रन बनाए। सूर्य कुमार का आत्मविश्वास इस पारी से बढ़ा होगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को होने वाले मुकाबले से पहले सूर्य कुमार का फॉर्म में आना टीम के लिए शुभ संकेत है। शानदार गेंदबाजी ने किया प्रभावित। भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की। भुवनेश्वर अपने पुराने रंग में लौट चुके हैं। उन्होंने 2 ओवर मेडन फेंका, 4 ओवर में सिर्फ 9 रन ही दिए। इस दौरान 2 विकेट लिया। शमी ने उनका बखूबी साथ निभाया और 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट लिए। स्पिन में अश्विन और अक्षर ने बल्लेबाजों को बांधे रखा। अश्विन ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 और अक्षर ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट झटके। अर्शदीप ने भी 2 विकेट लिए लेकिन वे थोड़े महंगे रहे। उन्होंने 4 ओवर में 37 रन दिए। हार्दिक ने 1 ओवर किया, इस दौरान 9 रन दिए।